नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल इंफ्रार्स पे। साथियों, आज एक बार फिर से आपके लिए एक बेहतरीन प्रॉपर्टी लेकर हाजिर हैं जो कि जानकीपुरम में पड़ता है और ये जो एरिया है जानकीपुरम गार्डन कहलाता है, नगर निगम में है, लाइट है, सीवर पड़ा हुआ है, सारी रोड बनी हुई है और सामने अगर आप देखेंगे तो ओरो सिटी भी हमारा सामने पड़ता है। साथियों, अगर बात करें तो पीछे हमारा जो है मैरिज लॉन बना हुआ है, सड़क आप पीछे मेन देख रहे हैं और ये हमारे जो है 10 यूनिट टोटल हमारे मकान बने हुए हैं। और आज हम आपको जो मकान दिखा रहे हैं ये 800 स्क्वायर फीट से लेकर 1000 स्क्वायर फीट तक यहाँ पर मकान उपलब्ध हैं। जिनके कुछ डिजाइन है और सैंपल है वो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और अगर इनकी लंबाई चौड़ाई की दोस्तों अगर हम बात करें तो आज हम आपको जो मकान दिखा रहे हैं ये उत्तर फेस का मकान है, 20x45 इसकी लंबाई चौड़ाई है, 900 स्क्वायर फीट का हम मकान दिखा रहे हैं आपको जो कि सैंपल के तौर पर रेडी है, जिसका आपकी फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से रहेगा। इसमें जो हमारे जो दरवाजे दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं, लोहे का गेट है जो कि एक काफ़ी हैवी गेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं पूरा ये ऊपर तक दिया गया है। इसमें अंदर डिजाइनिंग की गई है, स्टील की इसमें लगाई गई है जो कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको पार्किंग का एक अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। हम खड़े हैं पार्किंग एरिया में, ये हमारी पार्किंग का एरिया है जहाँ पर आप एक फोर व्हीलर गाड़ी आप बहुत ही आराम से आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। नीचे जो है जीने के नीचे आपको स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आप इन्वर्टर वगैरह लगा सकते हैं और यहाँ पर आपको MCB मिल जाएगी जो कि पूरे मकान का है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसी के जस्ट बगल में हमारा जो है ये हमारा समरसेबल का पंप का स्टार्टअप दिया गया है जो कि आप यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। एक आपको छोटा सा लॉन मिल जाएगा, ये आपका लॉन हो जाएगा जहाँ पर आप अपनी एक स्कूटी या बाइक आप यहाँ पार्क कर सकते हैं। साथ ही आप अगर यहाँ से कुछ धुलना वगैरह चाहते हैं फोर व्हीलर वगैरह तो उसके लिए यहाँ पर डायरेक्ट समरसेबल से यहाँ पर कनेक्शन दिया गया जो कि आप लगा के अपना धुल सकते हैं। साथियों, अगर हम ऊपर की बात करें इसमें छत की, तो छत जो हमारी है 10 फीट ऊपर है और इसमें जो है MDF से डिजाइन किया गया है जो कि आप देख सकते हैं। साथियों, इस मकान में आपको दो एंट्री मिलेगी। पहली एंट्री हो जाएगी हमारी सीधे ड्राइंग रूम में जाएगी, दूसरी एंट्री जो हमारी सीधे डाइनिंग एरिया के लिए जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम आपको गेस्ट रूम में लेके चलते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें डोर जाली लगी हुई है जिससे कि मॉस्किटो वगैरह अंदर ना जा सके, जो कि आप देख सकते हैं डबल डोर जाली आपको यहाँ पर मिल जाती है। दोस्तों, अगर हम दरवाज़ों की बात करें तो दरवाजे हमारे जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और जो हमारी ये चौखट है ये भी मलेशियन साखू की दी गई है जो कि आप देख सकते हैं। ऊपर जो है शीशे से इसमें ग्लास लगाया गया है वेंटिलेशन के लिए। ये हम आ जाते हैं साथियों ड्राइंग रूम में, ये हमारा ड्राइंग रूम हो जाता है जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसे सजाया गया है। पीछे जो है PVC पैनल लगाया गया है और ये हमारी जो विंडो हो जाती है जिससे कि वेंटिलेशन बना रहे। दरवाजे को बंद कर देते हैं जिससे कि शोरगुल कम सुनाई। साथियों, आप यहां देख सकते हैं 6x6 की आपको विंडो मिल जाएगी। अगर आप AC विंडो यहां पे लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, नीचे भी आप लगा सकते हैं, ऊपर भी, इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आप स्प्लिट AC यहां पे लगवाना चाहते हैं जिसका स्विच ऊपर दिया गया है आप वहां भी लगा सकते हैं। दूसरा, यहां से भी आप लगा सकते हैं ऊपर देखिए, आप इस साइड में भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। इसमें जो है वॉलपेपर आप देख सकते हैं लगाया गया जो कि बहुत ही खूबसूरत डिजाइन दिया गया है। नीचे जो है कजारिया के टाइल्स लगाए गए हैं। दोस्तों, अगर हम इन स्विचेस की बात करें जो एंगर और रोमा कंपनी की दी गई है, ऊपर जो इसमें फैन लगाया गया है वो हैवेल्स कंपनी की लगाया गया है। साथियों, अगर लाइटिंग के ब्रांड की बात करूँ तो फिलिप्स कंपनी की इस मकान में लगभग 76 लाइटें लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो हमने लाइट का जो हमने वो किया है कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। ऊपर आपको यहाँ पर आपको फैन मिल जाता है जिससे कि वेंटिलेशन इसमें बना रहे। इस वॉशरूम में जितने भी हमने फिटिंग्स की चीज़ें लगाई गई हैं ये हम आपको जगुआर की फिटिंग आपको यहाँ दे रहे हैं, प्रीमियम जगुआर दे रहे हैं। ऊपर भी दी गई, आप यहाँ पर गीजर वगैरह आप लगवा सकते हैं।
सीट जो मिल रही वो भी आपको जगुआर की मिलेगी। नीचे टाइल्स आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लगाया गया है। आइए अब आपको लेके चलते हैं डाइनिंग एरिया में। साथियों ये हमारा डाइनिंग एरिया आ जाता है, सामने हमारा मॉड्यूलर किचन हो जाता है जो कि आप देख सकते हैं। मॉड्यूलर किचन में हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे काम किया है जो कि आप देख सकते हैं, और इसमें भी जो फिटिंग्स हमारी यहाँ पर भी लगाई गई है। पूरे मकान में अगर हम फिटिंग्स की बात करें तो आपको जगुआर की ही देखने को मिलेगी हर जगह आपको। आप इसमें देख सकते हैं ग्रेनाइट का अच्छा खासा काम किया गया है, और जितने भी आपको मॉड्यूलर किचन मिलेंगे, कैबिनेटें मिलेंगी, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आपको मिलेंगी जो कि आप देख सकते हैं। रैक वगैरह आपको बिल्कुल एकदम ए क्वालिटी का आपको दिया जाएगा। चिमनी आपको सन फ्लेम की आपको लगा के दी जा रही है जो कि आप देख सकते हैं। साथियों अगर आप यहाँ फिल्टर का पानी लगवाना चाहते हैं आरओ वगैरह, तो आप बहुत ही आराम से यहाँ पे लगवा सकते हैं, उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है। और जितनी भी सन फ्लेम चिमनी से जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आपकी बाहर निकल जाएगी। ऊपर की अगर हम बात करें छत में, तो फॉल सीलिंग से काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है जो कि आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे पसंद आएगा। साथियों हमारा ये वो दरवाज़ा है जो कि बाहर से सीधे डाइनिंग एरिया में खुलता है। अगर हम इसमें लॉक की बात करें तो इसमें गोदरेज के लॉक दिए गए हैं, हैंडल भी दी गई है, ऊपर छिटकनी भी लगाई गई है, ऊपर आपको यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए मिल जाता है। अब हम आपको लेके चलते हैं साथियों OTS की तरफ। ये हमारा OTS हो जाता है जो ठीक मॉड्यूलर किचन के ठीक सामने है, जिससे एक वेंटिलेशन बना रहे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वॉश मशीन लगाई गई है जिसमें जगुआर की फिटिंग है। ऊपर जो है आपका OTS आ जाता है जिससे कि आपके डाइनिंग एरिया में भी वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहे। साथियों इस मकान में आपको दो बेडरूम मिलते हैं, दोनों सबसे अहम है। पहला जो हमारा आएगा ये हमारा मास्टर बेडरूम आ जाता है, दूसरा हमारा जो है ये हमारा कॉमन बेडरूम है। साथियों अगर हम कॉमन बेडरूम की बात करें तो यहाँ पर आपको एक हम इसके साथ में स्टोर रूम हम दे रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं। इस रूम को सजाने में हमने एक तो वॉलपेपर से इसे सजाया है, दूसरा जो है हमने PVC पैनल से मैंने काम किया है जो कि आप देख सकते हैं। दो वाल पे हमने PVC पैनल लगाया है, एक वाल पे हमने वॉलपेपर लगाया है, तीसरी जो हमारी वॉल है ये हमने प्लेन रखा है जो कि इसमें कलरफुल है जो कि आप देख सकते हैं। पेंटिंग से मैंने एक अच्छा इसमें काम किया है। ऊपर अगर हम छत की बात करें तो ऊपर हमने जो है फॉल सीलिंग से काफ़ी अच्छी मैंने यहाँ पर डिज़ाइन की है, और उस पर भी हमने वॉलपेपर लगाया है, और इसके जो चारों किनारे हैं वॉलपेपर से इन्हें हमने ढक दिया है ताकि कि डस्ट वगैरह का पार्ट अंदर ना जा सके और आप इसे डस्टिंग भी साफ कर सकें। साथियों लाइटें जो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी लग रही हैं, ये आपको ब्रांडेड लाइट आपको लगा के दी जा रही। दरवाजे जैसा कि मैंने पहले ही बताया है वाटर प्रूफ है, अच्छी क्वालिटी के आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर हम पीछे आते हैं तो हमारा एक OTS हो जाता है जिससे कि दोनों रूम की कनेक्टिविटी मिल जाती है, और वॉश मशीन यहाँ दे जाता है। अब अगर आप वॉशिंग मशीन वगैरह रखना चाहें तो यहाँ रख सकते हैं, धुलाई वगैरह आप यहाँ बहुत ही आराम से कर सकते हैं। साथियों ये हमारा जो आ जाता है स्टोर रूम आ जाता है, चाहे तो आप इसे पूजा रूम भी आप इसे बना सकते हैं, यहाँ पर आप अपना पूजा वगैरह भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं स्टोर रूम काफ़ी ही बड़ा है। तो आइए अब आपको हम लेके चलते हैं मास्टर बेडरूम में, और आपको मास्टर बेडरूम दिखाते हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा आपको देखने में। साथियों ये रहा हमारा मास्टर बेडरूम। साथियों अभी हम हैं मास्टर बेडरूम में, और अगर वॉलपेपर अगर आप देख रहे हैं तो हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉलपेपर हमने यहाँ कस्टमाइज वॉलपेपर मैंने यहाँ यूज किया है जो कि क्वालिटी में काफ़ी महंगा होता है जो कि आप जानते हैं। और ये हमारा जो है PVC पैनल इसमें लगाया गया है जो कि आप देख रहे हैं, ये भी कलरफुल है। दरवाज़ा बाहर जो OTS के लिए खुलता है, एक वॉल इसमें भी सेम मैंने किया है जिसमें कि हमने वॉलपेपर वगैरह नहीं लगाया, लेकिन अगर कस्टमर ऐसी कोई डिमांड करता है तो उसे यहाँ भी वॉलपेपर लगा के आप प्रोवाइड कर देंगे। साथियों इसमें जो हमने ऊपर देखे ये मास्टर बेडरूम है हमारा, काफ़ी लोगों का सवाल रहेगा कि सर आप इसमें भी थोड़ा सा आप अलग कर सकते थे। देखिए इसमें हमने इसलिए इसको सिंपल रखा, आदमी जब सोता है तो आंखों में चुभन ना हो, बेडरूम में आदमी सुकून चाहता है, तो ये इसलिए इसको बहुत ही सिंपल रखा गया है, सिंपल स्वीट और सोबर होना चाहिए। ऊपर इसमें एक फैन लगा के हम आपको दे रहे हैं, और कलर इसमें जहाँ तक हमसे हो सका है मैंने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया। अगर आप वार्डरोब वगैरह भी डालते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। और स्विचेस की अगर बात करूँ तो इस रूम में सभी स्विचेस यहाँ पर दिए गए हैं,
जो कि आप देख सकते हैं सब एंकर और रोमा कंपनी के दिए गए हैं। तो आइए अब आपको हम वॉशरूम दिखाते हैं। साथियों ये हमारा वॉशरूम है जिसमें कि टाइल हमने 7 फीट तक हमने लगाया है। फिटिंग्स की बात अगर करें तो सारी फिटिंग्स यहाँ पे आपको जगुआर की मिल जाएगी नीचे से लेके ऊपर तक। सावर आप लगा सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन हम आपको यहाँ पे लगा के दे रहे हैं। अब देखिए टाइल्स और इसका कितना अच्छा कम्युनिकेशन यहाँ पे किया गया है जो कि आपको पसंद आएगा। साथियों अगर इस दरवाजे की बात करें तो इसमें जो लॉक लगाया गया है ये गोदरेज कंपनी का हमने लगाया है। और पीछे हमारा ये OTS आ जाता है जिससे कि वेंटिलेशन आपके बेडरूम में भी बनी रहे और दूसरे बेडरूम। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं छत पे। साथियों ये हमारा वो दरवाजा होता है जहाँ पे हम अंदर से बाहर से सीधे अंदर आते हैं और डाइनिंग एरिया में। तो आइए अब आपको छत पे लेके चल रहे हैं। साथियों आप जीने पे देख सकते हैं नीचे जो है मार्बल लगाया गया है और ये जो आपका है स्टील की रेलिंग दी गई है जो कि काफ़ी मजबूत है। ऊपर जो हमने लोहे का दरवाज़ा लगाया है। साथियों हम आ जाते हैं छत पे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है काफ़ी लोग मकान में कहेंगे सर आपने इसको बनाया है तो इसकी पिलर वगैरह क्या है कैसे अगर ऊपर आप बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। यदि आप ऊपर बनाना चाहें तो आप 3 फ्लोर तक आप बनवा सकते हैं। 3 फ्लोर तक आप बड़े ही आराम से बनवा सकते हैं। पिलर है इसके जो हमने नीचे से जैसे बनाया गया है मकान को 3 फ्लोर आप इस पर बड़े ही आराम से आप बनवा सकते हैं। आपके अपने पिलर अलग हैं जो कि आप देख सकते हैं ये पिलर आपके अलग हो जाएंगे 9 इंची के आपके पिलर हो जाएंगे 9 इंची पड़ोसी। बीच की जो दीवार है 4 इंची आपकी हो जाएगी 4 पड़ोसी की। कॉमन दीवार है सबकी अपनी अपनी तो आप कभी भी फ्यूचर में आप चाहें तो आप बनवा सकते हैं। सेम इधर भी आप देख सकते हैं ऐसा ही आपको मिलेगा। बीच के जितने पिलर हैं वो आपको सब देखने को मिल जाएंगे आपके पिलर हैं। बड़ा OTS आपको पीछे मिल जाएगा। एक OTS जो आपको ऊपर मैंने दिखाया था वो मिल जाएगा। बाकी इस साइड में अगर आप देखेंगे तो एक में फैमिली निवास कर रही है जो कि आप देख सकते हैं। पीछे पूरी आबादी वाला एरिया है जो कि आप देख सकते हैं आप एक पॉश एरिया में हैं। साथियों मैंने आपको नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा मकान दिखा दिया। बात करें अगर इस मकान के कीमत की तो 52 लाख रुपए इसका निर्धारित किया गया है। साथियों इस मकान में आपको 2 बेडरूम 2 वॉशरूम 1 कार पार्किंग 1 हॉल 1 आपको मॉड्यूलर किचन मिलता है। और ये जो मकान है 900 स्क्वायर फीट में बना हुआ था। उत्तर फेस के सभी मकान हैं और सामने इसके जो है 22 फीट की रोड है। सीवर वगैरह बनी हुई है। नगर निगम में पड़ता है। असाइनमेंट हो चुका है। ये जानकीपुरम गार्डन में लगता है और जो मेन रोड की यहाँ पे जो दूरी है मात्र 100 मीटर के अंदर है। सामने पूरा सारी चीज़ें बनी हुई है। आसपास जो है स्कूल कॉलेज बैंकेट हॉल ये सभी सुविधाएँ मिलती हैं। साथियों अगर हम बात करें यहाँ से स्कूल और कॉलेज की तो मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर आपको प्ले स्कूल और ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। मेडिकल की अगर फैसिलिटी की बात करें तो आसपास तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं। साथियों अगर यहाँ से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो चारबाग की दूरी यहाँ से 13 किलोमीटर है। पॉलीटेक्निक की दूरी यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है जो कि आप देख सकते हैं। आके यहाँ से गूगल मैप के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ से आके आप चेक कर सकते हैं। सामने इसके जस्ट ओरो सिटी है। आसपास जो है आबादी है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छी लगी आप इसे विजिट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर दिया गया। आप मुझे कॉल कर सकते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं और आकर आप ये प्रॉपर्टी विजिट कर सकते हैं। मिलता हूँ फिर एक नई प्रॉपर्टी के साथ एक नई लोकेशन के साथ। आपका दोस्त सूरज यहाँ चाहूँगा। शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद।